नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एनडीए के एक छात्र से जो सुदूर ग्रामीण इलाके से आके नोएडा में पढ़ते हैं। और ये अपने एक दिन के जो इनका रोज़मर्रा की क्या सब चीज़ें, कितना पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं, इनको किन सब चीज़ में रुचि है, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आदर्श जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितना पढ़ लेते हो एक दिन में। जी बेसिकली जैसे पेपर होता है 2.5 घंटे का एक सेट होता है, एक पेपर होता है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि उस 2.5 घंटे में एक सेट हो सके। ऐसे ऐसे मैं दो सेट बनाता हूँ, एक सेट मैथ्स का होता है और एक होता है जनरल स्टडीज का। तो कोशिश करता हूँ कि दो सेट मैथ्स के हों, दो सेट जनरल स्टडीज के हों, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि मैं कितना टाइम मैनेज कर पाता हूँ पढ़ाई के लिए। तो आपने कोचिंग लिया है एनडीए के लिए? जी मैंने 3 महीने कोचिंग लिया था, तो अब भाई ने भी यही कर रखा है, तो वो गाइड करता है। अब घर पे पढ़ता हूँ, होम स्टडीज करता हूँ, भाई गाइड करता है कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको किस चीज़ में रुचि है? जी बेसिकली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है, और मेरी हॉबीज हैं, मैं नॉवेल्स ज़्यादा पढ़ता हूँ और क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, अच्छा, तो आपको पढ़ाई के अलावा जो है वो फेवरेट गेम आपका क्रिकेट क्रिकेट है। है। और आप खाना बाहर खाते हो या बनाते हो? घर में बनता है, ज्यादातर घर का ही खाते हैं, बाहर का खाना उतना अच्छा नहीं लगता, घर में ही खाते हैं। घर में मैं बना लेता हूँ, बड़ा भाई बना लेता है, सबसे बड़ा भाई तो जॉब करता है तो इसलिए। आज हम आपके साथ रहेंगे और आप कैसे बनाते हैं ये हम आपके साथ मिलके जी देखेंगे कि आप कैसे कितने देर में बनाते हैं। तो और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको यहाँ आने में क्या सब दिक्कत हुई, मतलब आप सुदूर ग्रामीण इलाके से हैं और यहाँ पे आए पढ़ने के लिए, तो इन सब में आपको क्या सब कठिनाई का सामना करना पड़ा? पहले तो दिक्कत हुई घर को, एक सुटेबल प्लेस जहाँ फैसिलिटीज हो हर चीज की, वो घर ढूंढने में दिक्कत हुई। फिर यहाँ आ गए तो थोड़ा, पहले तो थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि बचपन से गांव में रहे हैं, यहाँ आके उतना मतलब शुद्ध हवा या शुद्ध पर्यावरण नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब सा पहले लगा। लेकिन अब जब 6-7 महीने हो गए हैं तो अब हम घुल मिल गए हैं, अब सब जानने लगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बैचलर जो हैं वो रहते हैं, देख सकते हैं किताब भी बिखरी हुई है, पेपर है, बैग है और कुर्सी है, कैसे रहते हैं, एसी भी लगा हुआ है, बेडरूम है, बहुत सारी किताब है, माता लक्ष्मी की तस्वीर है, सरस्वती माता विराजमान है, भगवान गणेश भी हैं, राधा कृष्ण भी हैं और शंकर भगवान भी हैं, भोले शंकर, माँ पार्वती भी है, कार्तिक भी है और गणेश जी भी हैं। देख सकते हैं ये बैचलरों का ये बेडरूम हुआ जहाँ पे लोग रहते हैं। आइए, 1 ग्लास चावल लीजिए, इसे धो लीजिए अच्छे से ताकि जो खराब पदार्थ है वो निकल जाए। और उसके बाद उसमें आप पानी, दो तरीके से चावल बनता है, एक तो आप पानी डाल दीजिए, उसे उबाल लीजिए, फिर पानी निकाल दीजिए थोड़ी देर बाद, तो भी चावल बन जाएगा। और एक है जब तक पूरा चावल पानी सोख ना ले तब तक आप पानी डाल दीजिए। पानी आप जितना चावल ले रहे हो उस हिसाब से डाल दीजिए, चावल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है पानी कितना डालना है। जैसे ये चावल है 1 ग्लास, तो इसमें 1.5 ग्लास पानी डालिएगा, जिस ग्लास से आपने चावल लिया उसी ग्लास से आपको पानी भी डालना है। अच्छा, तो जिस गिलास से मतलब बनाना हो उसी गिलास से 1.5 गिलास पानी देना है। एक एक ग्लास के लिए 1.5 ग्लास पानी है, और कुछ जैसे बासमती चावल होते हैं जिसमें 2 ग्लास पानी लगता है, तो वो चावल पे डिपेंड होता है कि पानी कितना लेना है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तकरीबन कितने समय में बन जाएगा? डिपेंड करता है आंच पे, पानी पे, सब चीज पे डिपेंडेंट है ये चावल बनना। तो आप और अनुमान लगा के कह सकते हैं कि आप इसको कितने देर में बना सकते हैं? जी अनुमान तो है 10 से 12 मिनट में चावल बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं कि अभी इसमें चावल डला है, आँच जो है अभी वो तेज है या स्लो है? अभी आँच आँच की बात हम कर रहे हैं, अभी अभी आँच तेज है या धीमा है या तेज है? तेज है, यहाँ से अभी तेज है। तेज है आँच, तो आप देख सकते हैं इससे बनने में अभी तकरीबन 9 मिनट और लगेंगे। ने सब्जी भी बनाया, अभी किस किन किन चीज़ों से मिलाकर इन सब्जी को बनाया? देखिए ये बेसिकली आलू और परवल की सब्जी है, अच्छा, तो आलू काटे हैं छोटे छोटे पीसेस में, आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में आलू हैं, हाँ, और प्याज है और ये परवल है। आप जो देख रहे हैं ये बैचलरों का खाना है,
इन्होंने बहुत मेहनत से बनाया हम सब के लिए। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम है, तो अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ट्राई करेंगे आगे और अच्छा बनता रहे। बताया कि 10 मिनट में बन जाएंगे चावल, तो यहाँ पे बन गए हैं चावल, आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि दिखाएं जो एक बैचलर ने बनाया है कैसे रहते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने चावल बनाया, यहाँ पे सब्जी है, कंप्लीट हो गया। इन्होंने तकरीबन आधे घंटे में दोनों चीज़ बना लिया। तो इसके बाद आपका क्या, आप क्या करेंगे इसके बाद? अब खाने की तैयारी रहेगी। मेरे दो भाई और हैं, वो भी साथ रहते हैं। अच्छा, मेरे भाई है मेरे से, वो अभी एक नाइट जॉब करता है, वो आ रहा होगा, तो उसके साथ हम खाने खाने बैठेंगे।